आरजेडी की शाह पे बिहार में है, उनको अंतिम चेतावनी है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। इतनी ही बात थी। तो जरा अपने माता पिता जब मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, जब सरकार की सत्ता की कमान इनके हाथ में थी, तब बता देते। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार का मतलब ही होता है सुशासन। बिहार का पुराना गौरव लौटाया है उन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का गौरव था। अगर जदयू का परिवार और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को निर्णय लेते हैं, किसी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो एक स्वागत योग्य बात है। जदयू के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने बहुत बार ये बात कही है कि अब युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार का पुराना गौरव लौटाया है उन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का गौरव था, पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र था। कुछ आक्रांताओं ने उस ज्ञान के केंद्र को तबाह कर दिया था, और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ कि आज वो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से अपने पुराने वैभव में, पुराने गौरव में वापस आ गया है। बिहार की 14 करोड़ जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि बिहार का पुराना गौरव इन दोनों ने मिलकर लौटा दिया। एक खबर बड़ी तेजी से चल रहा है कि जदयू में एक बड़े चेहरे के आने का सूचना मिल रहा है, क्या लग रहा है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाहने वाले, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे आ सकते हैं, क्या लग रहा है? जदयू के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने बहुत बार ये बात कही है कि अब युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए। अगर जदयू का परिवार और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को निर्णय लेते हैं, किसी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो एक स्वागत योग्य बात है। नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा वो हम सभी को स्वीकार होगा। नीतीश कुमार बहुत जल्द बिहार वासियों के लिए खुशखबरी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार ने पहले भी बिहार के लिए नौकरी का मार्ग प्रशस्त किया था, फिर एनडीए की सरकार कृत संकल्प है कि जो हमने वायदा किया है 10 लाख नौकरियों का, चुनाव से पहले किसी हालत में हम देंगे। भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने जो वायदा किया है बिहार के वासियों से, जो बिहार से, उस वायदे को हम किसी भी हालत में पूरा करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने पहले भी बिहार में उन सरकारी नौकरियों की तैयारी की थी जो मार्ग प्रशस्त किया था, जो 5 लाख नौकरियां मिली। अभी आगे भी हमने जो वायदा किया है वो पूरा होगा ही होगा। लेकिन आरजेडी कर रही है कि हमारी ही भूमिका थी जो हमने 17 महीना में नौकरी दी, उसके बाद से फिर एनडीए जो है नौकरी देना शुरू कर रही है। 15 साल तक आरजेडी का शासन था, माता पिता तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री थे, कितनी नौकरियां देती थी जरा उसका डेटा भी दे दे, और तेजस्वी यादव ने अपनी कलम से कितनी नौकरियां सृजित की हैं ये भी बता दे। एक नौकरी नहीं सृजित की है तेजस्वी यादव ने। एनडीए का खींचा हुआ खाका था, एनडीए की लगाई हुई फसल थी। हमने 7 निश्चय भाग 2 के तहत ये सारी तैयारी की थी, जिसको क्लेम करते हैं तेजस्वी यादव। इतनी ही बात थी। तो जरा अपने माता पिता जब मुख्यमंत्री थे 15 साल तक, जब सरकार की सत्ता की कमान इनके हाथ में थी, तब बता देते। पिताजी रेल मंत्री बने, जो नौकरियां देने की भी बात करते हैं उसके बदले में गरीबों की जमीन लिखवा ली इन लोगों ने। राजद और लालू प्रसाद का परिवार किसी को कुछ नहीं दे सकता है, वो जब भी कुछ देगा तो अपने परिवार को ही देगा। आरजेडी कह रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, यहाँ सिर्फ लूट हत्या यही है, नीतीश कुमार के राज में सुशासन की सरकार है ही नहीं।
नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार का मतलब ही होता है सुशासन। आज भी बिहार भूला नहीं है उस जंगल राज को, बिहार को आज भी याद है। और जो थोड़े बड़े अपराधी आरजेडी की शाह पे बिहार में हैं, उनको अंतिम चेतावनी है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते हो तो गया में अपने पिंडदान की तैयारी करवा लो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।